रास्ता रोका। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। बाईस राज्यों में होगा रोजगार मेले का आयोजन। पीएम मोदी देंगे 70,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र। मिशन मोड में तैयारी। अमित शाह 9 मई को कोलकाता में टैगोर जयंती कार्यक्रम में होंगे शामिल। प्रतिबंधित दवाओं के साथ तीन गिरफ्तार। केसीआर का बड़ा दावा, कहा नई औद्योगिक नीति से हैदराबाद आईटी कैपिटल के रूप में बेंगलुरु को पीछे छोड़ने में अग्रसर। मध्य प्रदेश में बीजेपी को लगेगा बड़ा झटका। पूर्व मंत्री दीपक जोशी कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। असम के सीएम शर्मा का कांग्रेस पर तंज, बोले ना हमें राहुल से सीखने का समय है ना उन्हें सिखाने का समय है। शिंदे सरकार का गिरना तय। सियासी हलचल के बीच एमवीए की रैली में बोले आदित्य ठाकरे, अजीत पवार भी रहे मौजूद। अजीत पवार को लेकर अटकलों के बीच सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान, महाविकास अघाड़ी तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बेटे ने मोदी को नालायक कहा, बोले प्रधानमंत्री की आलोचना तो होगी ही, आप हर बार विक्टिम कार्ड खेलते हैं। पीएम के बन की बात पर खर्च हुए 830 करोड़, गुजरात आपके प्रदेश अध्यक्ष ईसुदान गढ़वी का दावा, पुलिस ने दर्ज किया केस। कांग्रेस ने शुरू किया पे सीएम क्राई पीएम कैंपेन। प्रियंका ने मोदी को बताया था रोने वाला पीएम, मुंबई का जवाब, कांग्रेस तो 9 साल से रो रही है। राहुल गांधी बोले पीएम कहते हैं 91 बार गाली दी गई, वो सिर्फ अपनी बात करते हैं, ये एमएलए को पैसा देकर चोरी से आने वाली सरकार है। असम में 300 शराब पुलिसकर्मियों को रिटायर्ड किया सीएम, बोले शराब के आदि, पुलिस वालों का शरीर कमजोर हुआ, खाली पदों पर नई भर्तियां होंगी। गुजरात का एक और ठग अरेस्ट, खुद को सीएमओ अधिकारी बताकर करता था ठगी, मुंबई के मॉडल ने लगाया रेप का आरोप। पहलवानों के धरने में पहुंचे सिद्धू, कहा पॉक्सो एक्ट के तहत केस गैर जमानती, अब तक ब्रजभूषण की गिरफ्तारी क्यों नहीं। शादीशुदा होने की जानकारी देकर लिव इन में रहना धोखा नहीं, कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा, महिला सब जानकर रिलेशनशिप में आई। बीजेपी के 26 बागी कार्यकर्ता पार्टी से निष्कासित, प्रयागराज में पार्षद चुनाव के लिए टिकट नहीं मिला तो निर्दल लड़ रहे थे चुनाव। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विपक्षियों पर तंज, बोले इनके लिए निकाय चुनाव खुदा पहाड़ निकली चुहिया है, जनता इनकी चाल जान गई है। बीजेपी नेताओं का राजनीतिक कद तय करेगा चुनाव, आगामी लोकसभा के लिए तैयार हो रही है न्यू बायर्स की अनदेखी, कहीं ना पड़ जाए भारी। ओवैसी बोले अतीक अशरफ को मारने वाले गोडसे की नाजायज औलाद, कहा सीएम योगी बताएं कातिलों के घर बुलडोजर क्यों नहीं चला।
अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता खत्म। यूपी के गाजीपुर से बसपा सांसद तक 4 साल की सजा मिलने के बाद 56 घंटे बाद सांसद दी गई। मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्तियों पर कुर्की की तैयारी। वाराणसी समेत कई जिलों में करोड़ों की संपत्तियों की तलाश में जुटी टीमें। शेरपुरिया ने 19 खातों में भेजे थे 6 करोड़ 5 कंपनियों में संजय खुद डायरेक्टर। 4 में उसकी पत्नी आज मिल सकती है रिमांड। सपा का फार्मूला, जो बीजेपी को हराए उसी को टिकट समर्थन। इसलिए बरेली वृंदावन में निर्दलियों को समर्थन। एन वक्त पर कई टिकट भी बदल गए। पी में ड्यूटी से गैर हाजिर 2 डॉक्टर बर्खास्त। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर हुई कार्रवाई। सोमवार को जारी हुआ आदेश। आकाश से पाताल तक सबा दाढ़ी को दे रहे मोदी। मुरादाबाद में बोले संजय सिंह, ये शहरों की सफाई का काम है, झाड़ू वालों को दे दीजिए। वाराणसी के साड़ी कारखाना में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। दशामेध के बदनापुर के एक मकान में साड़ी और रंग रोगन कारीगरी का काम चल रहा था। प्रतापगढ़ में कार ने ई रिक्शा में मारी टक्कर। हादसे में पति पत्नी समेत 4 की मौत। 4 महीने की बच्ची समेत 3 गंभीर रूप से घायल। करौली आश्रम में संदिग्ध हालात में प्रॉपर्टी डीलर की मौत। बेड पर औंधे मुंह पड़े थे। परिजन बोले शाम को बात हुई थी, तब तक सब कुछ ठीक था। प्रतापगढ़ में सड़क हादसे में 4 की मौत। 4 घायल। मांगलिक कार्यक्रम से शामिल होकर लौट रहे थे। कार और ई रिक्शा में हुई टक्कर। कौशाम्बी में मोबाइल गुम होने पर युवक ने खाया जहर। गंभीर हालत में प्रयागराज रेफर। शराब के नशे में धुत होकर घर पहुंचा था। सुल्तानपुर जेएम हुई सख्त। नगर निकाय चुनाव में नाबालिग से बंटवाए पर्चे, लगवाए पोस्टर तो हुई कार्रवाई। देवरिया में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत। फंदे से लटका मिला शव। परिजनों ने ससुरालियों पर लगाया दहेज हत्या का आरोप। हरदोई जनपद ODF घोषित, 1000 लोग लाभ से वंचित। आधे अधूरे बिना छत को दे दिए गए शौचालय। कहीं सीट नहीं लगी तो कहीं कंडे भरे थे। मेरठ में कंचन शरण और सुधीर महादेव प्रेक्षक तैनात। 13 मई तक हर गतिविधि पर रखेंगे नजर। पहले चरण में आज शाम थमेगा निकाय चुनाव का प्रचार। बंदूकों की शौकीन महापौर प्रत्याशी का कब्जे में बंद 125 मंदिरों का कराऊंगे चूड़ाधर। अतीक का गुरु टूट गया। सपा विधायक इरफान क्या है। बनारस में रात भर रैलियों का दौर। सुबह तक प्रचार, चुनाव प्रचार में बाइक रैली, पदयात्राएं। शाम 6 बजे तक सपा भाजपा और कांग्रेस का रोड शो। मेरठ में BSP प्रत्याशी ने उड़ाई आचार संहिता के धज्जियां। नोटों के बंडल लेने का वीडियो वायरल। विपक्षी वोट खरीदने का लगा रहे आरोप। मेरठ में 7 BSP नेताओं ने ज्वाइन की भाजपा पार्टी। छोड़ने वालों में पूर्व मंडल कोऑर्डिनेटर और पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी शामिल। प्रतापगढ़ में मौसेरे भाई ने युवक को मारी गोली। सत्यप्रकाश ने 10,000 उधार देने से किया था इनकार। अहमदाबाद से बड़े भाई के बेटे की शादी में आया था। हरदोई में 2 बाइकों में आमने सामने की भिड़ंत। 1 की मौत, 2 बाइक सवार घायल, जिला अस्पताल रेफर।
भाजपा नेता के घर में 35 लाख की चोरी। झांसी में सीएम के आने से पहले पॉश कॉलोनी में बड़ी वारदात, कार से आए थे चोर। रेलवे के अवैध टिकट बनाकर बेचने वाला गिरफ्तार। कानपुर में जेएमसी और सीआईबी की टीम ने पकड़ा, 23,000 के 20 टिकट बरामद कर लिए गए। दातागंज में डॉक्टरों की लापरवाही से गई मासूम की जान। जिला अस्पताल में भर्ती थी, पीड़ित पिता बोले डॉक्टर देखने आते तो बच्ची बच सकती थी। जेवर में कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूर ने लगाई फांसी, पीड़ित भाई ने दूसरी पत्नी और उसके दामाद पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। उन्नाव में दहेज उत्पीड़न में चार पर एफआईआर, 50,000 रुपए मांगे, मना करने पर विवाहिता को पीटा और घर से निकाल दिया। उत्तराखंड में प्रशासन व्यवस्था को लेकर सीएम धामी सख्त, बोले हमारी हुई सरकार प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु निरंतर कार्यरत है। उत्तराखंड को मिले 6 नए पुलिस थाने व 20 नई पुलिस चौकी, सीएम धामी ने किया नई पुलिस चौकियों का उद्घाटन। उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी जारी, सीएम धामी ने की अपील, यात्रा करने से पहले मौसम की जानकारी जरूर ले श्रद्धालु। उत्तराखंड के राजधानी देहरादून में लगातार घटती जा रही कृषि भूमि ने बढ़ाई चिंता, 5 साल में 30% हुई कम। उत्तराखंड में 6 मैग्नीट्यूड का भूकंप, 20 से 21 मीटर तक खिसका जोशीमठ और भटवाड़ी की जमीन, शोध में हुआ खुलासा। पांच साल में पेटीएम से बद्री केदार में कितना चंदा आया, होगी जांच, क्यूआर कोड बोर्ड से हरकत में आई समिति। उत्तराखंड में लगातार खराब हो रहे मौसम ने बढ़ाई मुश्किल, धाम के लिए पंजीकरण कर 10 मई तक लग सकती है रोक। उत्तराखंड में गंगोत्री यमुनोत्री धाम में रात 8 बजे तक के बाद आवाजाही बंद, पुलिस ने बनाया नया ट्रैफिक प्लान। उत्तराखंड में बद्री केदारनाथ धाम पहुंचने वाले यात्रियों की संख्या 1,25,000 पार, 46,000 हुई स्वास्थ्य जांच। उत्तराखंड में 2030 तक नहीं होगा बिजली संकट, दिल्ली में हुई बैठक में लॉन्ग टर्म एनर्जी प्लान पर चर्चा। उत्तराखंड में बेमौसम बारिश का कहर, चारधाम यात्रा प्रभावित, मैदान में गेहूं तो पहाड़ों में सेब की फसल बर्बाद। उत्तराखंड में देह व्यापार का भंडाफोड़, ग्राहक बनकर पहुंचे पुलिसकर्मी, पंजाब दिल्ली की लड़कियों को कराया आजाद। उत्तराखंड में भाजपा ने खड़ी की 4 लाख कार्यकर्ताओं की टीम, 2.90 लाख पन्ना प्रमुख बनाए, पन्ना प्रमुख बनाएगा 5 वोटरों का समूह। उत्तराखंड में बच्चों की अश्लील वीडियो शेयर करने वालों पर मुकदमा, टीप लाइन पोर्टल पर आई शिकायत। उत्तराखंड में आइसलेट परीक्षा में धांधली, 3 गिरफ्तार, गुरुग्राम जाते ट्रक को रोककर ओएमआर शीटों से छेड़छाड़ की थी। अमेरिका में बवंडर से 60 गाड़ियां टकराई, 6 की मौत, 30 घायल, टोरनेडो की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा, गाड़ियां एक दूसरे पर चढ़ गईं।
किंग चार्ल्स की ताजपोशी के लिए लंदन जा रहे लोग होटल बुक, शहरों में बड़ी भीड़, लेकिन कुछ लोग इसे जश्न का मौका नहीं मानते। थाईलैंड में पीएम कैंडिडेट ने बेटे को जन्म दिया, पूर्व प्रधानमंत्री की बेटी है शिनमरियात, देश में 14 मई को है चुनाव। कतर में अफगानिस्तान क्राइसिस पर समिट, यूएन की मीटिंग में पाकिस्तान, चीन और यूएस शामिल, तालिबान को नहीं बुलाया। रूस की प्राइवेट मिलिट्री बैकडाउन को गोला बारूदों की कमी, पुतिन के करीबी प्रोगोजिन बोले रोज हजारों लड़ाकों के शव घर बेचने को मजबूर। भारत के जरिए रूसी तेल खरीद रहे यूरोपीय देश, भारत से निर्यात बढ़कर 2 लाख बैरल हुआ, चीन भी उठा रहा प्रतिबंधों का फायदा। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष में पिछले 5 महीनों में यूक्रेन में रूस में 10,000 सैनिक आताहत, व्हाइट हाउस की रिपोर्ट में खुलासा। अफगानिस्तान संकट पर संयुक्त राष्ट्र ने बुलाई बैठक, भारत भी ले रहा है भाग, तालिबान को न्योता नहीं। रिसाइकल किया जाएगा किंग जॉर्ज पश्चिम का सिंहासन, के चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक की तैयारी, तेज पर्दे पर होंगे राष्ट्रमंडल देशों के नाम। भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका, आसमानी बिजली भी बनी मुसीबत, एडवाइजरी जारी। चांदी करा सकती है जोरदार कमाई, ग्रीन टेक्नोलॉजी में बढ़ता निवेश, बढ़ा है चांदी की डिमांड, बढ़ सकते हैं भाव। अप्रैल 2023 में बना जीएसटी री कलेक्शन का रिकॉर्ड, सरकार ने 1.87 लाख करोड़ रुपए जुटाए, ये अप्रैल 2022 के मुकाबले 12% ज्यादा। हीरो इलेक्ट्रिक और ओकानियावे से 225 करोड़ की वसूली, सरकार गलत तरीके से फेम 2 सब्सिडी ली और 13 कंपनियां जांच के दायरे में। जेपी मॉर्गन ने खरीदा अमेरिका का फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, नई ब्रांडिंग के साथ खुलेगी 8 राज्यों की 84 ब्रांच, ग्राहकों के पैसे सुरक्षित रहेंगे। टोक्यो कॉलेज में विजिटिंग प्रोफेसर बने जैकमा, रिसर्च टॉपिक्स पर एडवाइस देंगे, एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन पर सेमिनार भी करेंगे। जून को आएगी होंडा की मिड साइज एसयूवी, हुंडई क्रेटा और मारुति ग्रैंड विटारा को मिलेगी टक्कर, 12 लाख एक्सपेक्टेड प्राइस। यूरोप का सबसे बड़ा फ्यूल सप्लायर बना भारत, हर दिन 3.60 लाख बैरल से अधिक रिफाइंड फ्यूल खरीद रहा है यूरोप। मारुति सुजुकी की सेल्स में 6.5% की बढ़ोतरी, कंपनी ने अप्रैल 2023 में 1.60 लाख गाड़ियां बेची, टाटा की सेल्स में 4% की गिरावट। एप्पल के साथ 138 करोड़ का धोखाधड़ी, भारतीय मूल के एक्स एम्प्लाई को 3 साल की सजा, 155 करोड़ का जुर्माना भी। WEF का अनुमान, AI व आर्थिक मंदी से 9 करोड़ रोजगार पर खतरा, दुनिया भर में पैदा होंगी करोड़ों नई नौकरी। बेंगलुरु ने लखनऊ से हिसाब बराबर किया, सुपर जायंट्स कोसी के घर में 18 रन से हराए, सीजन का सबसे छोटा स्कोर बचाया। साल बाद भिड़े गंभीर कोहली, 2013 के बाद फिर से एक बार इतिहास दोहराए, कोहली ने सोमवार को बेंगलुरु का बदला लखनऊ में लिया।
हरियाणा के मंत्री ने मांगा ब्रजभूषण का इस्तीफा, बीजेपी सरकार में शामिल चौटाला बोले सच सामने आना चाहिए। सिद्धू पहुंचे रेसलर्स के बीच। कैंसिल हो सकता है एशिया कप, पाक मीडिया का दावा, पाकिस्तान के बिना भारत पांच देशों का टूर्नामेंट करा सकता है। ब्राजील में दोबारा आकर ट्रेनिंग ले रहे यूक्रेन फुटबॉल टीम, प्रोटोपोलिस में एफसी मारियोपोल कर रही है तैयारी, ब्राजीलियन क्लब का पूरा समर्थन। कोहली गंभीर को मैच के दौरान भिड़ना पड़ गया भारी, लगाया गया 100% मैच फीस का जुर्माना। विराट कोहली ने दिखाई दरियादिली, सुरक्षा में सेंध लगाकर मैदान पर पहुंचा फैन तो लगाए गले, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। केदार जाधव की आईपीएल में हुई वापसी, आरसीबी के ऑलराउंडर डेविड विली को किया गया रिप्लेस। जल्दी दुनिया के नंबर वन स्पोर्ट्स लीग बनेगा आईपीएल, ललित मोदी ने की बड़ी भविष्यवाणी। काउंटी चैंपियनशिप में चेतेश्वर पुजारा की लीडरशिप में खेलेंगे स्टीव स्मिथ, डब्ल्यूटीसी फाइनल और एशेज की करेंगे तैयारी। जिम के बाहर स्पॉट हुई जानवी कपूर, ओवरसाइज टी शर्ट और शॉर्ट्स में दिखी, फैन को ऑटोग्राफ दिया, फोटो भी खिंचवाई। एयरपोर्ट पर दिखे रिया चक्रवर्ती, जींस के साथ स्टाइल के ओवरसाइज शर्ट, मुस्कुराते हुए पेपरोजी को पोज दी। एआर रहमान को लाइव कॉन्सर्ट में गाने से रोका, रात 10 बजे के बाद प्रोग्राम जारी था, पुलिस ने स्टेज पर जाकर रुकवाया। फैज को पसंद आई नवाजुद्दीन, नेहा की केमिस्ट्री मजाकिया अंदाज में शेयर किया वीडियो, जोगिरा सारा अरब में साथ आएंगे नजर। एयरपोर्ट पर देखिए पलक तिवारी, डीप ने क्लाइंट वाली ड्रेस में नजर आई, फैन के साथ फोटो भी क्लिक करवाई। कंगना ने दी सलमान को टेंशन फ्री रहने की सलाह, सिक्योरिटी देने पर पीएम मोदी की तारीफ की, बोली देश सुरक्षित हाथों में है। डेडपूल 3 में होगी रॉब जेलानी की वापसी, एक्स फोर्स मेंबर पीटर बन फिर दिखाएंगे अभिनय का दम, मार्वल के बैनर तले बनेगी फिल्म। कोई नहीं नई फिल्म नहीं साइन करें सलमान खान, टाइगर 3 के रिलीज के बाद लेंगे फैसला, टाइगर 3 में शाहरुख का होगा कैमियो रोल। पोनियन सेल्वन 2 की सक्सेस पार्टी में पहुंचे सितारे, केक काटकर मनाया जश्न, वीडियो आए सामने केक काटते दिखे एक्टर विक्रम चया। शशि थरूर ने द केरल स्टोरी पर दिया चैलेंज का, धर्म परिवर्तन की बात साबित करो, 1 करोड़ जीतो। आज के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।